हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टेक अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। अब तक हमने ये सारे प्रिंसिपल्स देखे। अगर आपने एक भी प्रिंसिपल मिस किया है तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं हमारे ये चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड कीपिंग हमारे फ्रेंड पीटर को कैसे हेल्प करेगा। वो अकाउंटिंग लर्न करने में इंटरेस्टेड है, पर उसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने में और ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती है। बट स्लोली वो अंडरस्टैंड करके खुद को इम्प्रूव कर सकता है। ये उसके ग्रोसरी स्टोर का 6 मंथ है, यानी सितंबर मंथ। चलिए हम आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। पीटर ने स्टोर क्लोज करने से पहले कैश को काउंट किया था। पीटर ने काउंट किया था कैश $300 थे। उसने कैश को ड्रॉवर में रखकर ड्रॉवर को लॉक कर दिया। नेक्स्ट डे पीटर ने कैश में $800 का सेल किया और उसने सिर्फ सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए सेल्स अकाउंट में, जिसका अमाउंट था 800। बट ही फॉरगॉट टू रिकॉर्ड सेल्स इन कैश अकाउंट। बट जब बाद में उसने ड्रॉवर चेक किया तब उसमें 1100 कैश थे, लेकिन अकाउंटिंग बुक के कैश अकाउंट में बैलेंस 300 शो हो रहा था, जो कि यस्टरडे के सेल्स से मिला था। इसका मतलब ये है कि विदाउट बोथ दिस इफेक्ट्स और ड्यूअल इफेक्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट और इम्बैलेंस होते हैं और वो रॉन्ग स्टेटस शो करते हैं। इस केस में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो बेसिकली अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो डिफरेंट अकाउंट में इफेक्ट होते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि पीटर ने गुड सेल किए हैं मिस्टर एडम को क्रेडिट बेसिस पे 300 में, तो ये ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट करेगा दो मैटर्स में। क्या आप बता सकते हो वो कौन से दो अकाउंट्स होंगे? सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा बिकॉज गुड्स सोल्ड हुआ है $300 में, एंड एडम्स अकाउंट भी अफेक्ट होगा 300 में। तो दोनों भी अकाउंट अफेक्ट होंगे इक्वली, जो कि है 300 में। क्या आपको अब तक समझ में आया? लेट्स सी के आगे क्या होता है। ये मंथ पीटर ने टेम्पररी बेसिस पे जॉब के लिए हायर किया है न्यू एम्प्लॉय को, जो कि ग्रोसरी स्टोर में सेल कर सके और उस सैलरी पे करने वाला है 200। क्या यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे? यस, इस स्पेसिफिक केस में कैश एंड सैलरी, ये दो अकाउंट इक्वली अफेक्ट होंगे बाय 200। तो ये कॉन्सेप्ट ने हर ट्रांजैक्शन के इक्वल इफेक्ट और दो डिफरेंट अकाउंट्स और ड्यूअल अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, इसीलिए इसे अकाउंट्स में ड्यूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर हम ट्रांजैक्शन को वन साइड रिकॉर्ड करते हैं, मींस हमने सिंगल एंट्री पास की है, सो इससे मिसमैच हो सकता है। जैसे कि हमने पीटर के कैश अकाउंट को देखा जिसमें अमाउंट मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए हम फॉलो करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से हमें एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। पीटर को अब बिजनेस के रिकॉर्ड स्टेटस का एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मिल गया है। सिंस हमारे सारे अकाउंट्स बेस्ड होते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर, तब हमें दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत केयरफुल होना होगा। हमें इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करके लर्न करना होगा। हमारे अपकमिंग सेशन में हम लर्न करेंगे कि डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं। पीटर ने इस मंथ में खुद का होममेड पिकल मार्केट में लॉन्च करने का प्लान किया है। उसने $5,000 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए पेड किए, बट ये एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से। तो इस सर्विसेज से जो भी अमाउंट रिसीव होगा या रेवेन्यू मिलेगा वो भी रिफ्लेक्ट होगा नेक्स्ट ईयर में बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो इस केस में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये मैच होगा उस ईयर में जब उससे रिलेटेड सर्विसेज हो रही है। इसे कुछ नहीं बट मैचिंग कंसर्न प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि आपको आपके रेवेन्यू मैच करने हैं उसके एक्सपेंसेस के साथ जो वो पीरियड में हुए हैं, और ये दोनों आपको रिपोर्ट करने हैं सेम पीरियड में। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कॉन्सेप्ट का क्या यूज होता है? आप इमेजिन करें अगर आपने हाई एक्सपेंडिचर और इनकम को रॉन्गली रिकॉर्ड किया है वन अकाउंटिंग पीरियड में। अगर हमें फर्स्ट ईयर में हाई प्रॉफिट मिलता है देन अगेन लॉसेस, और अगर थर्ड ईयर में अगेन प्रॉफिट, इट मींस अगर रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है तो रिजल्ट भी हमें प्रॉफिट और लॉस में ही मिलेगा, जिससे अकाउंटिंग स्टेटमेंट इम्बैलेंस हो सकता है और हमें ट्रू और फेयर पिक्चर नहीं मिलता। अगर आपको याद है कि हमने एक वेइंग मशीन परचेज की थी जिसका बेनिफिट पीटर को 10 ईयर्स के लिए मिलने वाला था,
तो जैसे कि हमने आपको कहा था कि जब हमें बेनिफिट रिसीव होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 इयर्स में। ठीक उसी तरह दे आर रिकॉर्डिंग एंड मैचिंग द एक्सपेंस विद द ईयर ऑफ यूसेज एज एसेट, जिससे हमें रेवेन्यू भी मिलेगा। ये एग्जाम्पल भी मैचिंग प्रिंसिपल से रिलेट होता है। सो टू सम इट ऑल, आइडियली मैचिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है कॉज एंड रिलेशनशिप इफेक्ट पे, और ये कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होता है जिससे वो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को मैच कर सकते हैं और उनसे एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर कंपनी के प्रॉफिटेबल रिपोर्ट मिल सकते हैं। तो अकाउंटेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो अकाउंट्स को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर प्रिपेयर करे। ये प्रिंसिपल हेल्प करते हैं बिजनेस को ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए। तो पीटर को ये समझ में आ गया है कि हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है, और उससे ये भी पता चल गया है कि क्यों हमें सर्टन एक्सपेंसेस से रिलेटेड रेवेन्यू को सेम ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। आप हमारी वेबसाइट www.letstudy.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।